हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माय व्लॉग। तो अभी फिलहाल के लिए बज रहे हैं 9:30। तो आज की शुरुआत हो रही है मेरे गांव दलान से। ये देखो पूरा गांव है, ये है मेन दलान बेसिकली, और यहाँ हमारी प्यारी धन्नो। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, आगे शाउट तक जाऊँगा फटाफट से वॉक करते हुए, फिर वापस में पापा के पास आ जाऊँगा। देखता हूँ फिर घर का क्या ही काम चल रहा है उसका। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं गाँव से थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ, और ये देखो सामने यहाँ पे आगे मेरा गाँव है। वन एक्स कर लेता हूँ इसको मैं। ये देखो यहाँ देखो पूरे गांव में धूप है, मतलब एक ही आ गई है। हमारे गांव में ऐसा होता है 9 बजे धूप आती है और 8:30 बजे शॉर्ट में लग जाती है। और यहाँ देखो ये नीचे है प्राइमरी स्कूल है। हाँ, कभी कभी जैसे इलेक्शन का टाइम होता है तो बूथ भी बन जाता है। और यहाँ देखो उसमें दिख रहे हुए कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं बढ़िया। तो इन बच्चों को देख के मेरे को अपना बचपन का टाइम आ गया, याद आ गया। जैसे होती सुबह सुबह ठंड होती थी, हमारे को निकलना पड़ता था स्कूल के लिए और हाथ ऐसे ठंडे, और लिखे भी नहीं आता था कुछ इवन की। चलो फिर इनका ये भी है कि जल्दी आ जाती इधर धूप दलाने में। हमारे तो वहाँ पे खनैरी में जैसे जब होता था ना बचपन में, छोटे छोटे थे स्कूल जाते थे, धूप ही हमारी कहीं 10:30 इतने में आ रही थी बहुत लेट, और सीखने का भी टाइम नहीं मिलता था हमारे को। फिर जाके हम कहीं 12-12:30 बजे लंच टाइम में सीख रहे होते हैं। और यहाँ देखो शावर टाके सामने, एक मिनट में जूम ही नहीं कर देता इसको, पार की धार शावट है। तो अभी फिलहाल के लिए पहुंच गया हूँ मैं सरस्वती मंदिर स्कूल के सामने। तो अभी गाँव का काफ़ी पुराना स्कूल है, यहाँ पे मेरी बहन बचपन में पढ़ी है, 1 साल ही निकाला होगा उसने आई गेस। और ये देखो यहाँ पे देखो कैसा ठंडा है बिल्कुल एकदम, और आगे जाके शॉर्ट में धूप लगी है। तो बीच बीच में ऐसा भी सीन है कि कहीं पर धूप है कहीं पर नहीं भी है। जैसे यहाँ से चल रहे हैं ना एकदम ठंड सी लग रही है, रात को तो फिर अभी तो ठंडी लग रही है ना, जैसे रात को चलेंगे शाम के टाइम। जब कल भी गया था मैं यहाँ पे, सामने से ये ठंडी हवा आ रही थी, और दूसरी जहाँ पे वो मेरा घर बन रहा है वहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है, ठंडी हवा चलती है उधर भी काफ़ी। तो फिलहाल के लिए पहुँच गया मैं शॉर्ट, थोड़ा बहुत एक काम करता हूँ 5 मिनट धूप सेकता हूँ। और ये देखो सामने का शॉर्ट पूरा, इसका 360 व्यू है, और यहाँ से ऊपर मंदिर जाता है। तो अब भी एक काम करता हूँ, इसके आगे मैं मंदिर वाली क्लिप डालूँगा, बाकी क्लिप इन्जॉय करो। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो शॉर्ट पहुँच गया हूँ मैं, और ये देखो ये पूरा गाँव है, और अभी मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना है। तो यहाँ से ऊपर एक मंदिर आता है, तो बहुत पहले मैं दादी के साथ गया था। तो यहाँ से आएगा कितना 5-1 मिनट का रास्ता होगा ऊपर को, तो चढ़ते हैं। और ये देखो यहाँ से आगे जाके पूरा ये आपको दिख रहा होगा छतला गांव, छतला ही है मेरे हिसाब से। और यहीं से ऊपर को आगे को जाके मतलब अगर उस साइड से देखेंगे दलान वाली साइड से तो वीरगढ़ दिखता है। तो अभी आगे जाके मैं आपको अपना गाँव दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मंदिर पहुंच गया हूं मैं। तो ये मेरे पीछे का मंदिर है, मतलब मेरे पीछे मंदिर है। ये देखो ये काफ़ी सुंदर सा मंदिर बनाया, पहले तो शायद इतना रेनोवेटेड नहीं था, बहुत पहले जैसे गया था मैं। और तो चलो मैं नीचे जाता हूं यहां से, और यहां जूते उतार के रखे थे मैंने। तो आज तो मेरा वैसे ही ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था, तो कल दोबारा इसी साइड घूमने आऊँगा, फिर उसको कल वाली क्लिप में डाल दूंगा। यहाँ से काफ़ी बढ़िया प्यारा सा व्यू दिख रहा है इधर, और मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पूरा दलान दिख रहा है, वैसे काफ़ी बड़ा गांव है, मतलब अंदर जैसे दलान में रह के पता नहीं चलता कितना बड़ा गांव है, जब ऊपर से देखेंगे या बाहर से देखेंगे तो इसका पता चलता बहुत, मतलब फैले हुए एरिया में दलान। और ये देखो सारे नज़ारे दोबारा से, और ये मंदिर का साइड प्रोफाइल है, इसको मैं अच्छे से दिखाता हूँ ज़रा, ये देख लो। तो अब थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींचता हूँ, तो अब निकलता हूँ नीचे। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं बावड़ी जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सुबह शॉर्ट से आया था तो फिर सीधा मैं अपने खेत गया था, जहाँ पे अपना थोड़ा घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। तो वहाँ पे फिर पापा के साथ बैठ के गप्पे मारनी स्टार्ट कर ली मैंने, उसके बाद फिर कोई ध्यान भी ना व्लॉग करने का फिर मन भी नहीं करा है सच। तो अभी बावड़ी की तरफ जा रहा हूँ, फिर सामने का रास्ता है। अभी फटाफट से मेरे को कैनी भी भरनी है, 2 बॉटल्स भी दी है, तो एक चक्कर तो मैंने पहले का मार दिया, दूसरा लास्ट का चक्कर है। तो मोस्टली क्या पता इसके बाद मैं घूमने जाऊं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं रोड पर आ चुका हूं। तो कुछ टाइम पहले मैंने भर लिया था पानी, फिर मैं थोड़ा सोचा कि 5-1 बजने देता हूं, फिर आता हूं रोड पर। और ये देखो सामने का सनसेट हो रहा है, और काफ़ी सही लग रहा है ये। तो अब इसके बाद मैंने आगे जाना है खेत पर, थोड़ी देर में पापा भी आ जाएंगे,
तो तब तक मैं जाता हूँ आगे घूम लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं दलान से बाहर निकल गया हूँ। तो अभी ये देखो मेरे सामने जो दिख रहा है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ से। और ये देखो सामने, मैं इसको 1x पे करता हूँ। ये देखो जो आगे वाइट वाइट कलर की रेंजेस नहीं दिख रही, कैलाश रेंजेस है। कैमरा इस जो ये नज़ारे दिख रहे, कैमरा इसके लिए इतना जस्टिस नहीं कर रहा। अगर ये आँखों, अगर ये आप मतलब लाइव देखो, अपनी आँखों से देखो, बहुत सुंदर लग रही है इस टाइम ये जगह, है ना, सामने पहाड़ है जो तरह से ढके हुए हैं। तो चलो अब मैं वापस खेत पे जाता हूँ, पापा भी आ जाएंगे थोड़ी देर में आगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं व्लॉग नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वैसे मैंने शाम को पापा के पास आना था, आया तो आया, मैं पापा के साथ ही था, घूम रहा वैसे। तो रात को अंधेरा, तो मैंने थोड़ा, मैंने सोचा क्या ही दिखाऊँ अब खेत वगैरह भी। तो अभी सुबह आया हूँ मैं खेत की तरफ। तो यहाँ देखो अभी फ़िलहाल के लिए इतना एक कंस्ट्रक्शन हो रखी है, और सामने पापा जी है। नमस्ते पापा जी, कैसे हैं? ओके बाय। चलो ठीक है। तो चलो अब मैं व्लॉग को यहीं पेंड करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।